नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। भदोही एसपी ने किया दुर्गागंज थाने का निरीक्षण, गंदगी देख भड़के। पत्रकार के फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट आज गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती ने दुर्गागंज थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना के आगंतुक कक्ष, अपराध रजिस्टर, सीसीटीएनएस कार्यालय के अलावा महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय व बैरक मेस आदि चेक किए। वहीं अभिलेखों के रखरखाव के संदर्भ में भी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिसर में गंदगी देखे एसपी का पारा हाई हो गया और थानाध्यक्ष रामदर्श को फटकार लगाई है। कहा, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। महिला हेल्प डेस्क और कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि महिला अपराधों पर लगाम लगाते हुए ऐसे मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए। कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान एसपी भोजनालय के पास पहुंचे तो गंदगी देख उनका पारा हाई हो गया। मौजूद इंस्पेक्टर को उन्होंने फटकार लगाई और अंतिम चेतावनी दी है। थाना परिसर में गंदगी और अभिलेखों का रखरखाव के साथ फरियादियों की समस्या का निस्तारण न हुआ तो कार्यवाही की जाएगी। वही वाहनों की करवाई चेकिंग। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। कार्यालय पहुंचने के बाद अभिलेखों को गहनता से जांच पड़ताल की और वाहनों की चेकिंग भी कराई। एएसपी का मानना है कि अपराध रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कहा कि कई दिन से मिल रही थी शिकायत। दुर्गागंज थाने की पुलिस को लेकर जोन के अधिकारियों को उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। एएसपी ने कई मामलों में गोपनीय जांच भी कराई। कई मामलों में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई गई है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि इन्हीं शिकायतों को लेकर एसपी ने आज मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।